अभी हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पे और साइन कन्वेंशंस भी पढ़े हैं, रे डायग्राम हमने बनाए थे, देन अब हम उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। 4 सेंटीमीटर इन साइज मीन्स कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, यानी कि स्मॉल h, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में हमने किया था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू s डैश अपॉन h, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा h है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या है यहां पे, ये है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, कहां से लेके चलते हैं, फ्रॉम द पोल, राइट। तो ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यानी कि f स्मॉल f जो है वो 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अब उसने क्या पूछा है इसमें कि कहां पे हम स्क्रीन लगाएं, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, मोस्ट चांसेस क्या है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। रियल इमेज का क्या है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, मतलब कि अगर हम उसके सामने कोई स्क्रीन, कोई पर्दा लगाए तो वो इमेज जो है उस पर्दे पे बन जाएगी, रियल इमेज, नॉट अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज इज नॉट रियल, वो बिहाइंड द मिरर कहीं बन रही है, बट रियल इमेज मिरर के सामने ही कहीं बनेगी, स्क्रीन पे शार्प इमेज हम ऑब्टेन कर सके, तो वो कितनी डिस्टेंस पे हम उस स्क्रीन को रखेंगे, पर्दे को रखेंगे, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें नेचर बताना है कि रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज ऑफ द इमेज बताना है, राइट। तो अभी हमने जो जो गिवन है न्यूमेरिकल में वो हम लिखते हैं, व्हाट इज गिवन इन दैट, साइन कन्वेंशन भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, और ये जो कि इरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अबव है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर याद नहीं है तो दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ये कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है, ठीक है, h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव। नाउ दिस इज अवर पोल, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस ए बी, और ये मिरर से कितनी डिस्टेंस पे या पोल से कितनी डिस्टेंस पे, 25, दिस u इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, बट कोई भी डिस्टेंस हम पोल से लेके चल रहे हैं तो, और पोल से हम किस साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट में, लेफ्ट में जब भी जाएंगे तो हमारा जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आएगा, अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं पोल से तो -25 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये हमने यहां पे मान लिया कि यहां पे इसका फोकस है, ठीक है, दिस इज द फोकस, और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल्स टू 15 एंड इट इज -15 because it is also in the left side, pole से left की तरफ हम जा रहे हैं towards the left, and that's why it is the sign will be taken negative. फिर formula क्या है, 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f, u हमारे पास है, f हमारे पास है, we can find out the v, यानी कि वो वही उसने हमारे से पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज
ठीक है, v ही हमें यहां पे फाइंड आउट करना है. लेट पुट द वैल्यूज वेर अपॉन v. व्हाट इज u? u इज -25. फोकल लेंथ की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना है v. तो इसको एक साइड में हम लेके जाएं, ये आ जाएगा हमारा -1/15. और जब ये हम उससे माइनस प्लस माइनस और माइनस को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/25. अब नाउ अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं डेट विल कम 75. अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 5 75 25 3 75. एलसीएम पता है कैसे लेते हैं, राइट? 15 5 75 25 3 75. इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, 1/v के लिए -2/75. और v की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा -75/2, राइट? और इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा -37. ठीक है, तो यहां पे हमारा इधर की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे उसको सोल्व आउट करेंगे तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है तो साइन रहेगा माइनस का, और इसको सोल्व करने में ये आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर. एच डैश हमारा आएगा 6 सेंटीमीटर, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो तो 4 सेंटीमीटर, हमारा इमेज का साइज आएगा -6 सेंटीमीटर. 6 माइनस साइन शो करता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी. और तो नेचर क्या होगा, जो क्या नाम है, जो इमेज है उसका जो नेचर है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है? और साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है? तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, डिस्टेंस निकालनी है, देन मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से हमें हाइट या जो भी एक फाइंड आउट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी थी तो वो हमने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, ये फाइंड आउट की है. और फिर यहाँ से हमें कंपेयर करके बताना है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा. साइन कन्वेंशन से हमें पता लगेगा कि जो नेचर कैसा है उसका. यहाँ पर भी जो हमारी v की वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, इट मीन्स कि हमारी इमेज रियल है. नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो दिया हुआ है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, राइट? आपको पता है कि द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मोस्टली हम यूज करते हैं, राइट? जैसे कि हमारा जो है, तो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, उसके उसका जो हमारा मिरर होता है रियर व्यू, पीछे पीछे की जो साइड में साइड व्यू देखने के लिए, पीछे का जो व्यू है उसको देखने के लिए जो रियर व्यू जो मिरर हमारा लगता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है. बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि लार्जर पार्ट वो है वो जो है एक स्मॉलर एरिया में कन्वर्ज कर देता है, तो आपको पीछे का जो काफी दूर तक का ट्रैफिक है वो आपको वहां पे मिरर में दिखता है, राइट? तो दैट इज द पर्पस कि वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. दूसरी चीज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर विल फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और हमें यहाँ पे क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही चाहिए, राइट? अगर कोई उल्टी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिख रही है तो वहां पे वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे हमें जो है इरेक्ट इमेज चाहिए, दैट्स व्हाई हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करें. दूसरा, इट इज ए कन्वर्जिंग मिरर, तो वो बड़े एरिया को छोटे पार्ट में, छोटे उसमें जो है कन्वर्ज करके दिखाता है, शो करता है, राइट? तो यहाँ पे रियर व्यू ऑटोमोबाइल में एज रियर व्यू मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है हमें 3 मीटर, यानी कि कैपिटल आर यहाँ पे 3 दिया हुआ है. इफ द बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि पीछे अगर कोई बस है जो उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, राइट? ए फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो बस यहाँ पे क्या है, इट इज अ ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, मिरर से कितनी दूर है वो 5 मीटर. अब हमें ये लिखना है फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. जो इमेज अब बनेगी किसकी, इमेज की बात कर रहा है, दैट इज ऑफ बस जो कि 5 मीटर पे है, उसकी जो उसकी पोजिशन क्या होगी, मतलब वो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, ठीक है?
पोजिशन क्या होगी, इसकी नेचर क्या होगा एंड साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे पोजिशन। पोजिशन के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, राइट। ये फॉर्मूला, अब हमारे पास यहाँ पे v, u एंड f में से कोई भी दो जो है हमारे पास जो है इसमें से वैल्यूज होनी चाहिए। तो v, v हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। u दैट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज जो पोजीशन है वो हमें पता है कितनी है, 5 मीटर, राइट। लेकिन अब साइन कन्वेंशन पे आ जाएगी कि ये 5 मीटर हमें प्लस में लेना, क्योंकि अगर आपको पता है, लेकिन अगर आपने साइन कन्वेंशन जो है वो प्रॉपर्ली यूज नहीं किए, देन आपका पूरा जो है जो आपका फॉर्मूला है, पूरा जो कैलकुलेशन है, सब आपकी गड़बड़ हो जाएगी। और जो है आते हुए भी आपकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। तो 5 मीटर ये देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या कहां होगा आपका, जो आपकी ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, राइट। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, यहां पे ही है, ठीक है। यहां पे आपकी क्या है, बस है, राइट। यहां पे आपकी कोई बस है, ये इसकी डिस्टेंस यहां से कितने पे है, 5 मीटर पे, राइट। और यहां पे ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, पोल। और आपको पता है कि जब भी आप पोल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, दैट ऑलवेज विल बी नेगेटिव, ठीक है। और जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे, दैट विल बी पॉजिटिव। अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहां है हमारी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, दैट इज 5 मीटर, यानी कि पोल से इधर जाएंगे, दैट इज नेगेटिव, तो -5। v हमें फाइंड आउट करना है, v हमारे पास नहीं है। व्हाट अबाउट u, ओ सॉरी, व्हाट अबाउट f, f क्या है, f नहीं दिया हुआ, बट हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दी हुई है, और हमारे पास क्या है, f जो है दैट इज r / 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, r / 2 दैट इज r / 2, यानी कि 3 / 2 दैट इज 1.5 मीटर। अब यहां पर भी साइन कन्वेंशन, जितना भी आप लेंगे सब में साइन कन्वेंशन इज मस्ट। अब यहां पे जब साइन कन्वेंशन लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको ध्यान रखना है, या आप ध्यान रखेंगे कि अब देखिए, अगर इसको हम आगे, बिकॉज द मिरर आर ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के पार्ट है, राइट। तो अगर आप इसको इस तरह से, आप अगर ये पूरा स्फीयर कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो किस साइड में होगी, बिहाइंड द मिरर, पोल से राइट साइड में है, पोल से राइट साइड में, दैट मींस कि ये हमारी पॉजिटिव आएगी, राइट। अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर इज लाइक दिस, और इसका जो स्फीयर है वो होगा आपका ऐसे, राइट, किस साइड में, पोल से लेफ्ट में। तो कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में ये हम नेगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो स्फीयर बना के, अगर आपको याद भी नहीं है तो स्फीयर बना के देख लेंगे, स्फीयर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और वो पोल से लेफ्ट में है, राइट साइड में है या लेफ्ट में है, उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशंस ले लेंगे। तो पॉजिटिव वन प्लस 5 मीटर आपकी रेडियस आ गई, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज यहां पर पुट करनी, 1 / v प्लस 1 / u, यानी कि 5, इट इज इक्वल्स टू 1 / f, 1.5, राइट। अब यहां पर हमारे पास 1 / v हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट 1 / v, तो 1 ये इस साइड दैट इज माइनस, और सॉरी यहां पे आपका माइनस में है, तो माइनस साइन लेंगे, राइट। right?
यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, 1 अपॉन v हमें फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन u कितना है -5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, f कितना है 1 प्लस में 1.5, यहां से हमारे पास क्या है 1 अपॉन v प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1.5, यहां पे आप हमारे पास 1 अपॉन v ये हमारा पॉजिटिव साइड में 1.5 प्लस 1 अपॉन 5 दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा 15 5 7.5, ठीक है 15 5 1.5 इनटू 5 कितना होगा 7.5 प्लस 5 और ये एलसीएम लेंगे 5 इनटू 1.5 कितना होगा 7.5, तो यहां पे टोटल कितनी ये आ गया हमारे पास 6.5 अपॉन 7.5, ठीक है डेट इज अवर इन मीटर, क्योंकि सारा ये भी मीटर में वो भी मीटर में हमारे पास राइट। तो 1 अपॉन v की वैल्यू ये है, v क्या होगा हमारे पास 7.5 अपॉन 6.5 मीटर, ठीक है 1 अपॉन v 6.5 अपॉन 7, तो v क्या होगा अपोजिट 7.5 अपॉन 6.5, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करने पे ये हमारे पास आएगा 1.15 मीटर और ये किसमें है पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है पोजीशन के लिए, ये क्या शो कर रहा है कि दैट इज अवर वर्चुअल इमेज, ये हमारी जो इमेज है वर्चुअल इमेज है बिकॉज़ रियल इमेज जो हमारी बनती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है और ये लेफ्ट साइड में आती है, ठीक है वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर यानी कि पोल से राइट साइड में जाना तो पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल इमेज यहां पर हमारी बन रही है राइट। अब यहां पे साइज ऑफ इमेज भी हमें निकालना है, तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला, मैग्निफिकेशन यानी कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा h डैश अपॉन h साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये इक्वल होता है माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u लेट द पोजीशन ऑफ द इमेज टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास साइज ऑफ इमेज तो है नहीं ना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है बट हमें ये पता है तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे माइनस v हमारे पास कितना है v अभी हमने फाइंड आउट किया 1.15 राइट u कितना हमारे पास माइनस 5 ठीक है माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और राइट और यहां पे हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो सॉल्व करके आएगा 0.23 ठीक है इट इज अ मैग्निफिकेशन जो रेशियो आई है 0.023 राइट 0.023 एंड इट इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस कि जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड है वर्चुअल इमेज, इट इज अ वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज एंड द मैग्निफिकेशन और साइज क्या है 0.023 मतलब इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है। तो क्या है कि जो आपकी जो यहां पर अगर यहां पर हम रखते हैं साइज ऑफ द इमेज क्या है वो आपकी है 0.23 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का 0.23 यानी कि आपकी जो इमेज है वो आपकी इतने फैक्टर 0.23 फैक्टर से स्मॉलर है, स्मॉलर इमेज आपकी यहां पर बनेगी फॉर्म होगी ठीक है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 0.23 जो फैक्टर है उससे कम होगी राइट। बिकॉज अगर यहां पे ये वैल्यू आपकी मैंने पहले बहुत बताया था आपको कि अगर ये वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा आ रही है दैट मींस कि इमेज आपकी बढ़ी है, देखो ये रेशियो है साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है तो अगर 1 से कम है वैल्यू दैट मींस कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज आएगा That means कि जो हमारा साइज इमेज का इमेज का साइज आएगा वो स्मॉलर आएगा अगर 1 से कम है वैल्यू, 1 से ज्यादा है ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो इमेज है वो लार्जर बनेगी, लार्जर ऑब्जेक्ट बनेगी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो है इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमें साइज ऑफ 2 मीटर ये सिंपल हम ले लेते हैं 1 मीटर है ठीक है ना जो साइज है यानी कि बस का जो ये हाइट है
दैट इज 1 meter, राइट। अगर ये आपकी 1 meter है तो यहां पर अगर इसको पुट कर दें 0.23 इंटू एच, और h कितना 1, तो ये कितना आएगा 0.23 मीटर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 1 meter का है, इमेज कितने की बनेगी 0.23 मीटर की, 0.23 मिलीमीटर की बनेगी। दैट मींस कि वो उससे स्मॉलर बन रही है, राइट। तो जो है आप यहां पे आपकी जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, राइट। तो लास्ट में आप यहां पे लिखेंगे भी द इमेज, द इमेज विल फॉर्म्ड एट राइट एट फॉर्म 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। The image will form at 1.15 meter behind. Will form at 1.15 behind the mirror, and it is virtual and erect image and 0.23 size point, and it is smaller and smaller by 0.23. And it is smaller in size by a factor of 0.23 फैक्टर से वो स्मॉल होगी, राइट। तो इस तरीके से हमें एग्जाम जो है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज द मस्ट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें करना है लेंस पे। लेंस के बेसिस पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहां क्या है, हमें इमेज डिस्टेंस दी हुई है, इमेज डिस्टेंस हमें दी हुई है, राइट। इमेज डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हम ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखें कि इमेज जो है हमारी 10 सेंटीमीटर बने, लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बने, राइट। तो यहाँ पे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई थी, इमेज डिस्टेंस निकालनी थी बस। इस केस में हमें हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू हमें निकालना है। फर्दर पूछना है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई और इमेज डिस्टेंस दी हुई है। अब बात करते हैं कि साइन कन्वेंशंस की, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें पता होता है कि वो हमेशा लेफ्ट पे है, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। बट यहाँ पे हमें इमेज का कैसे पता कि वो वर्चुअल इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट। तो जो साइन है वो नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो आपने जब रे डायग्राम आपको ध्यान हो, कॉनकेव लेंस हमेशा प्रोड्यूस्ड करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारी इमेज बनती थी कॉनकेव लेंस के केसेस में। सिर्फ दो केस थे उसमें, इंफिनिटी और इंफिनिटी से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे, ठीक है। तो वहां पे हम दो ही केस पढ़ते थे, ठीक। तो वहां पे दोनों केसेस में क्या था, इमेज जो हमारी बन रही थी वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। जो लेंस है आपका, लेंस के इसी साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रही थी। इट मींस कि हमेशा जो है इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की साइड में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इट विल बी द नेगेटिव। तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस है जो 10 सेंटीमीटर है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनती है वो लेफ्ट साइड में ही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है, कोई अगर हम बात करें लेंस के कंसर्न में, राइट। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमारी आई है -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है हमारी है 15 सेंटीमीटर। अब ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस तो हम फोकल लेंथ लेते हैं पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस में लेते हैं नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, राइट। ये ही हमारा मिरर में भी यही है कि कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ लेंगे नेगेटिव में। पावर वाले केस में भी क्योंकि 1/f होता है तो वहां पर भी सेम यही पावर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, कॉनकेव की पावर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोकल लेंथ जो है -15 सेंटीमीटर।
लेंस फार्मूला हमारे पास है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f. अब यहां पे हम v और f की वैल्यूज पुट करते हैं. v है -10 और f है हमारा -15. माइनस का साइन ये यहां पर है, राइट. अब हमें निकालना है u, तो 1 अपॉन u को हम एक साइड में रखते हैं और इन दोनों को एक साइड लेके आते हैं. ये इस साइड में तो पॉजिटिव आ जाएगा -1/10. इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं 30, then 2 minus 3, 15, 15 2 is 30, 10 3 is 30, right? तो यहाँ पे हमारा है 1 upon 30, right? 1 upon u की वैल्यू, u क्या होगा? -30 सेंटीमीटर. तो हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है? -30 सेंटीमीटर, right? अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की. मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या है? h dash upon h या फिर is equals to होता है v upon u के. v कितना है यहाँ पे हमारा? -10 और u अभी हमने कैलकुलेट किया, सॉरी, u हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना है? और यहाँ पे हमने u कैलकुलेट किया कितना है? -30, ठीक है. तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, ये बचेगा 1/3, यानी कि हमारा जो इमेज बन रही है वो 1/3 है ऑब्जेक्ट की. उसका साइज जो है 1/3 है ऑब्जेक्ट के साइज से. अगर हमारा जो है अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट का साइज अगर वो 9 है तो इमेज का जो साइज होगा वो कितना होगा? 9/3, यानी कि कितना होगा? 3, राइट. तो 1/3 है, राइट. तो अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया. पॉजिटिव साइन विल शो the image is virtual and erect and is 1/3 of the object. और वो क्या होगा? 1/3 होगा object का. Now the next numerical that based on lens, a 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm, right? तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 2 cm और लेंस कौन सा दिया हुआ हमें? कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 cm. अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने ऐड की है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट्स जस्ट नथिंग, वही चीज इन्होंने बस डिफाइन की हुई है. क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं अगर रखा भी होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगी. तो ऑब्जेक्ट अगर वो ना भी कहे तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे उसके परपेंडिकुलर ही है, तो उन्होंने उसी चीज को डिफाइन किया हुआ है, राइट. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. इस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मींस अगर वो ना भी कहे तो वो परपेंडिकुलर ही है उसके. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर, राइट. फोकल लेंथ हमारी कॉन्वेक्स के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि पहले बताया था फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, एफ हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है. फॉर कॉन्वेक्स लेंस द एफ इज पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड में हम कंसीडर करते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ कोई भी डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगी, राइट. तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, कितने का कितना मैग्निफिकेशन हुआ वो निकालना है, राइट. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें 2 cm दी हुई है. Height of the object 2 cm, object distance हमें 15, because हम right ये left में है object, हमेशा left में ही होगी object, तो -15. Focal length 10, convex lens है तो positive ले लेंगे. ये अगर mirror है, mirror में भी यही है कि positive ले लेनी है, convex के लिए focal length, right? और concave के लिए negative. Minus v. अब लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है? माइनस वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. हमें क्या चाहिए? वी की वैल्यू चाहिए, तो ये हम एक साइड पे रखेंगे 1/V और ये इस साइड पे रखेंगे. अब नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ यू एफ एंड यू
what is the value of f? It is 10 centimeter, and while value of u is minus 15. So minus 1 upon 10 minus 1 upon 15. We take the LCM, that is 30. Then 10 through the 30, 15 to the 30, right? It's equal to 1 upon 30, 1 upon v की value. हमें क्या चाहिए? V image distance चाहिए, that is 30 centimeter. तो image जो बनेगी हमारी 30 centimeter बनेगी, and ये क्या आ रही है? हमारी positive आ रही है. Positive means कि जो हमारी image बनेगी वो किस side में बनेगी? Right side में बन रही है. Optical center के इस side में बन रही है. तो यहाँ पे इस side में अगर कोई हमारी image बन रही है lens में, other side में, तो वो कौन सी image होती है हमारी? Real and inverted image, right? अगर राइट साइड में हमारी इमेज यहाँ बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी लेंस के केसेस में, राइट? इन द केस ऑफ मिरर अगर ध्यान हो तो वहां पे अगर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्योंकि वहां पे क्या है हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर उस तो रेज एक्चुअल में किस साइड में जाएंगी? उसी साइड में जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होके, तो रियल इमेज हमारी उसी साइड में बनेगी. बट इन द केस ऑफ लेंस रियल इमेज हमारी अपोजिट साइड, दूसरी साइड में बनेगी, ठीक है? ऑप्टिकल सेंसर से दूसरी साइड में, तो पॉजिटिव साइन में शो कि जो हमारी इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर बनेगी और अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंसर यानी कि इस साइड में कहीं बनेगी, और दैट मींस कि इमेज हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है? रियल रियल की एक्चुअल में रेज मीट करेगी और इन्वर्टेड होगी मींस कि वो यहाँ पे कहीं इस तरीके से बनेगी हमारी इमेज. उसके बाद हमें निकालना है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला है माइनस एच अपॉन एन, एच इज इक्वल टू नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमने अभी क्या निकाला? पोजीशन एंड नेचर हमने इसका डिफाइन किया है. नाउ हमें साइज बताना है, हाइट बतानी है इमेज की. उसके लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का हम यूज करते हैं. ये है h dash upon h is equals to v upon u. h dash हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. we have h, what is h? it is 2 centimeter. and v upon u भी हमने u हमें गिवन था, v हमने अभी कैलकुलेट किया. इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारा minus 4 centimeter. यानी कि h dash जो है इमेज की जो हाइट आई है, साइज ऑफ द इमेज जो है वो minus 4 centimeter है. माइनस फोर सेंटीमीटर मीन्स कि इमेज क्या है? इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है? राइट. अब यहाँ पे दो चीजें देखिए, आप ध्यान से देखिएगा. v is equals to plus 30, इट मीन कि इमेज हमारी कैसी है? रियल है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो यानी कि हम ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में जा, राइट साइड में, और राइट साइड में कौन सी इमेज बनेगी हमारी लेंस के केसेस में? रियल इमेज. लेकिन h जो हमारी वैल्यू आई है, हाइट जो आई है, वो कैसी आई है? नेगेटिव आई है, माइनस की 4 सेंटीमीटर. तो माइनस साइन क्या शो करता है? कि इमेज जो बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, ठीक है? v का पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में बन रही है. h डैश जो है उसका माइनस साइन शो कर रहा है कि इस साइड बनेगी, लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी इमेज बनेगी. यानी कि इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. नाउ फोर्थ जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था वो था मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दोबारा से हम यूज करते हैं. वी अपॉन यू हम कर सकते हैं, एच डैश अपॉन एच कर सकते हैं. एच डैश हमारा कितना है? 4, और एच कितना है हमारा? 2. तो h 4 upon 2 that is minus 2 centimeter. या v upon u से अगर हम find out करें तो भी minus 2 centimeter आएगा, right? तो magnification कितना हुआ? 2 centimeter का. यानी के sorry यहाँ पे centimeter नहीं आएगा, that is minus 2. यानी के जो image हमारी बन रही है वो two times जो है बड़ी होगी, enlarged होगी object से. तो यहाँ पे enlarged इमेज हमारी बनेगी 2 times. वो हम वैसे नहीं देख सकते, it is 4 centimeter size of the image and size of the object के तरह 2 centimeter, तो twice बन रही है. तो overall जो हमने यहाँ पे सब इसको summarize करेंगे, ठीक है? positive sign show करता है image जो है real और inverted है. 4 centimeter tall, that is
twice of the object size and formed a 30 cm on another side of lens. दूसरी साइड पर कर रहे हैं। Now अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, यह NCERT की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हैड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस या फिर अदर नेम ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर जो है लेंस से दूर रखा हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कहां पे होगा ऑब्जेक्ट? अगर हम रे डायग्राम की बात करें, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से राइट, और या फिर लेंस से हम बात करें कितने पे है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस की के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव तो प्लस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव इस साइड में, ये यहां से F2 लेंस फॉर्मूला क्लास 1/b - 1/u। अच्छा, उसने पूछा क्या है, हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो 1/b - 1/u = 1/f, दिस इज अ लेंस फॉर्मूला। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, v, तो 1/v इस साइड में लेके आएंगे, बाकी इधर यहां पे हमने वैल्यू पुट की f की, f फोकल लेंथ 10 और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25, दोनों का एलसीएम लिया, इसको सॉल्व आउट किया राइट, यहां से ये आया 50/3, दैट इज 60 एप्रोक्सीमेट 16.67 सेंटीमीटर। It is in positive sign will show, positive sign will show the real, the image is real, because ये हमारा positive v जो distance है वो हमारी positive कब होगी, जब हमारी image optical center से इस side होगी, then it means the image is real, क्योंकि जो हमारी real image बनेगी वो other side पे बनती है, तो ये हमारी अगर इस side में image बन रही तो वो image is real, अगर positive sign। Now next point में find out करना था what is the size of the image, तो size के लिए यानी कि h dash में find out करना है, h dash upon m, h is equals to होता है v upon u, h dash में find out करना है, बाकी की यहाँ पे values हमने put की। ठीक है, ये हमने values put की, यहाँ पे आया -3.34, the minus sign what will it show, it means कि हमारे जो image है वो inverted यानी कि below प्रिंसिपल एक्सिस है, बिकॉज यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमारी जो इमेज की जो हाइट होगी या तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, तो माइनस कब होगा, जब वो इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो ये -3.34 इट मींस सेंटीमीटर, इट मींस इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑल द डाटा और जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, देन वी हैव टू ड्रॉ द कॉन्वेक्स लेंस, नाउ वी हैव टू नाउ वी हैव टू मार्क f1 टू f1 फोकस कर्वेचर एंड ऑल राइट। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन का कैसे पता करना है, कि ऑब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे शो करना है वो कहाँ शो करना है राइट, ये हम यहाँ पर भी कर सकते थे या यहाँ पर, तो वो हमने यहाँ पे क्योंकि 2f1 से बियॉन्ड हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये हमें हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी कम टू नो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f1 है। So the point is that कि हमारी यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका साइज क्या है 3.34 राइट, ये 3.34 जो हमारी इमेज जब बनती है वो कब बनती है, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा, अब ये जब हम रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो मेन पॉइंट इज दैट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें शो करनी है वो कैसे शो करनी है, वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं यहाँ पर भी, तो हमने बियॉन्ड टू एफ वन क्यों की,
Now the point is that तो हमें focus दिया हुआ focus focal length दी हुई है वो 10 centimeter है. Curvature हमें पता है it is twice. It will be the twice यानी कि हाँ ये 20 और object की जो distance दी हुई है 25. It means कि वो beyond 2f1 कहीं पे होगा. यानी कि इस जो हमारा 2f1 है उसे 5 centimeter beyond. तो यहाँ पे beyond 5 centimeter हमने यहाँ पे object का जो है show किया. ठीक है तो हमने beyond 2f1 क्यों किया? Because हमें focus करना है twice of focus in 2f1 20 रहेगा. It means कि ये beyond 2f1 कहीं पे हमारा object है. ठीक है अब जो इसका जो height है वो इसका given है हमें. Right हमने दो foot to make an image we have to take two incident rays. तो हमने दो incident ray ली. एक principal axis के parallel हमने pass कराया जो कि focus से pass होगी after refraction और एक हमने optical center से जो without any deviation जो है pass हो जाएगी. अब जब हमारा object beyond 2f1 होता तो हमारी image जो बनती है वो कहाँ बनती है? f2 and 2f2 के बीच में, in between f2 and 2f2, right? तो हमारी इमेज कहाँ बनी है? Between F2 and 2F2, right? Then हम बाकी जो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हाइट है, हमारी जो इमेज हाइट है और जो हमारा फोकल लेंथ है, वो हम इसमें शो कर देंगे, right? तो first thing is that कि हमें ये find out करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है? According to that, we have to make the ray diagram. We have to make the image distance. कि image कहाँ आएगी हमारी? कि image की position क्या-क्या रहेगी? ठीक है? और ये भी चीज़ है कि हमारा जो lens है वो which lens we are talking about? Because अगर हम convex lens की बात करें, तो यहाँ पे mostly हमारा real और inverted image बनती है. एक केस को छोड़ के जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मिडर के बीच में इन बिटवीन कहीं होगा, राइट? और अगर हम कॉनकेव की बात करें तो वहां पे हमारी इमेज हमेशा कॉनकेव लेंस की बात करें तो वहां पे इमेज हमारी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. इनके लेंस के सेम साइड में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के सेम साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड में ही बनेगी.